हेलो फ्रेंड, मैं शशि राही स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एरर के बारे में जिससे काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और ये कितना हार्मफुल है हमारे कोलरो और कोलरो की फाइल्स के लिए, और इसका क्या सोल्यूशन, हम इसे कैसे निजात पा सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आता क्यों और इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसे करीब 2-3 महीने पहले मैंने अपने विंडो का न्यू इंस्टॉलेशन कराया था। तो मैंने सेटअप अपने कंप्यूटर में वही इंस्टॉल किया था जो मेरे ऑलरेडी मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और उसे इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्या मतलब एक्सपीरियंस करा कि जब भी मैं कोलरो में वर्क करता हूँ तो इन बिटवीन एक एरर जिसका नाम रन टाइम और दिस एप्लीकेशन एज रिक्वेस्टेड द रन टाइम टू टर्मिनेट, इस तरीके का एक एरर आता है। और जैसे ही आप इस एरर को ओके करते हो तो कोरलड्रो क्लोज हो जाता है। कोरलड्रो क्लोज होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब आप जिस फाइल में आप वर्क कर रहे हो, जिस फाइल में आप डिज़ाइन कंपोज कर रहे थे जिस जॉब के लिए, आप जब से ओपन करोगे तो वो वहाँ उस स्टेज में पहुँच जाएगा जहाँ आपने एक क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, हम कुछ बेसिक टाइप करते हैं, यानी कि जैसे आपने डिज़ाइन को स्टार्ट किया था वो वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा ठीक है, क्या होता है कि जैसे हम, अगर आप चाहो तो आप बोलेंगे सर बीच बीच में हम सेव भी कर सकते हैं, आप डिज़ाइन को कितना भी बीच में सेव करिए और जैसे ये एरर आएगा और आप ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ से आपने डिज़ाइन न्यू क्रिएट किया था। और मेरे संग क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी कि मैं डिज़ाइन को बिल्कुल फाइनल स्टेज पे लेके आ जाता था काफ़ी टाइम से, आधा आधा दो दो एक एक घंटे से हम डिज़ाइन कंपोज कर रहे हैं और वो बिल्कुल फाइनल ही होने वाला है और उसके बाद ये एरर आता था। और जैसे आप ओके करोगे और डिज़ाइन जो है बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। तो ये इतनी बड़ी समस्या थी, काफ़ी सारा मैंने सॉल्यूशन देखने की कोशिश करी कि इसका कोई सॉल्यूशन मिले। तो जो मैंने एक्सपीरियंस करा कि कैसे सॉल्व हो सकता है, और जैसे मैंने सॉल्व किया मैं आपको बताऊंगा। क्यों, मैं आपको कुछ पहले जो स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 है कि आप रन टाइम एरर का जो सॉल्यूशन है, आप सबसे पहले क्या करिए, आप कोरलड्रो का जो सेटअप है, कोरलड्रो के सेटअप को पहले तो अनइंस्टॉल करिए प्रॉपरली, और अनइंस्टॉल करने के बाद आप दोबारा से इंस्टॉल करिए। और मे बी आप कोशिश ये करिए कि आप कोरलड्रो का कोई न्यू सेटअप इंस्टॉल करें, क्योंकि वायरस की वजह से या फिर काफ़ी सालों से मैंने विंडो का इंस्टॉलेशन नहीं किया था, तो फाइल हो सकता है कि वो करप्ट हो गई हो, कोई सेटअप कोई भी एक्सटेंशन कोई करप्ट हो गया हो, और इसीलिए आप उसको सेटअप को जो है न्यू तरीके से नया सेटअप इंस्टॉल करें। अगर आप इससे भी आपका काम नहीं चलता तो आप स्टेप नंबर 2 को फॉलो कर सकते हैं। आपको जो हमारे सिस्टम में जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ होता है इसको अनइंस्टॉल करना है, और इसको फिर आपको अनइंस्टॉल करने के बाद इसे फिर इंस्टॉल करना है। और इसका अगर आप इससे भी आपका काम नहीं चलता, मतलब अगर ये स्टेप भी आपका ये मतलब ये ट्रिक भी आपको वर्क नहीं करती, तो फाइनली जिससे मैंने अपना सिस्टम ठीक किया है वो है आपको कोरलड्रो का जो सेल एक्सटेंशन होता है, कोरलड्रो का सेल एक्सटेंशन होता है, हम देख लेते हैं। ये देखिए, आप कंट्रोल पैनल में आएंगे जहाँ हम प्रोग्राम को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ आप मेरे सिस्टम की लिस्ट में देखेंगे कोरलड्रो का कुछ सेटअप मिलेगा, और आपके सिस्टम में जस्ट कोरलड्रो के नीचे ही, ग्राफिक शूट के नीचे ही कोरलड्रो सेल एक्सटेंशन नाम का एक फाइल होगी, एक सेटअप होगा, उस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल करना है। अब इसे अनइंस्टॉल करने का एक डिसएडवांटेज भी है, जब आप इसे अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपके जो थंबनेल हैं वो आपको प्रीव्यू नहीं दिखेंगे। बट उसका एक सॉल्यूशन ये है कि जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ प्रीव्यू वाली जो साइड होती है, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको वहाँ व्यू कर सकते हो। और जब आपका सिस्टम ठीक हो जाए, जब आपको लगे हाँ ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और तो फिर आप उसको दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो। रन टाइम एरर में एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती है, जो कि आप जब भी फाइल को काम करते वक्त सेव करोगे तो कई बार आउट ऑफ मेमोरी जैसे एरर का भी आपको सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड, जब आप ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप इन दोनों एरर से, रन टाइम एरर और प्लस आउट ऑफ मेमोरी जैसे एरर से निजात पा सकते हो। आपका सिस्टम हार्मफुल नहीं रहेगा, आपकी फाइल सेव रहेंगी। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे जुड़ी और कोई और भी बात जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।